मैं शाहबाद तालुका में हूँ। यहाँ के एक कॉलेज मरगोल के छात्र ने अपना ही नाम नहीं बल्कि शाहबाद का, अपने कॉलेज का, अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल हर्षा आरबी ने शॉटपुट में नेशनल लेवल गोल्ड मेडल हासिल किया है और वो फिलवक्त इंटरनेशनल लेवल के लिए जा रहे हैं। और इनके साथ ही साथ श्रीदेवी राठौड़ जो चितापुर की रहने वाली हैं, ये भी नेशनल लेवल तक एथलेटिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल लेवल के लिए ये भी जा रही हैं। तो मेरे साथ इनके कोच मौजूद हैं, हर्षा मौजूद हैं और श्रीदेवी राठौड़ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और ये मुकाम हासिल किया। तो मैं हर्षा से ये पूछना चाहूँगा, हर्षा आपने शॉटपुट में गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे आपने हासिल किया, अब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेलने जा रहे हैं, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की, कितने साल से आपको शौक़ है इसका? ये शुरू तो फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही हुआ था, अब यहाँ तक चला है। पर मैं चार बार स्टेट एक बार खेला हूँ, नेशनल एक बार, डिस्ट्रिक्ट 16 बार खेले से हूँ। अच्छा हर्षा, और भी खेलते जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, लेकिन आपको ये शॉटपुट में ही क्यों दिलचस्पी है? शॉटपुट पहले ग्राउंड में जैसे बड़े खेलते थे वो बॉल दिखता था ना, वो लोग उठा सकते हैं, मैं क्यों नहीं बोल के मैं उठा के एक बार फेंका तो हमारे पीटी सर मुझको सेलेक्ट करके मुझको प्रोत्साहित के। कौन, क्या नाम है तुम्हारे पीटी सर? वो मैं स्कूल रहे जब नागराज सर बोल के फिफ्थ स्टैंडर्ड में, और वो फिलहाल अब छोड़ गए, उसको पूरा कैरी करे सो वो शेर अली सर बोल के वो। अच्छा, अब आपने मड़गुड़ कॉलेज का नाम आपने रोशन किया, आपने गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, कैसा लग रहा है आपको, हाउ डू यू फील? सब लोगों की दुआ है सर, शेर अली सर की, दाऊद सर की, नागराज सर की और बड़े हमारे मम्मी पापा की जो कि बहुत सपोर्टिव है, जो कि नहीं, एक एक पेरेंट्स होते हैं कि इसी फील्ड में जाओ इसी फील्ड में, वैसे नहीं है, बहुत सपोर्टिव है और खेलने देते हैं और प्रैक्टिस को रोज़ सुबह मेरे साथ मेरे पापा रोज़ सुबह आते हैं और शेर अली सर का बहुत सपोर्ट है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा यहीं बीएच गंगामा कॉलेज में लाइब्रेरियन है। अच्छा, लाइब्रेरियन है। पापा का कैसा सपोर्ट रहा आपको शॉटपुट खेल में? सुबह सुबह उठाते हैं, वार्म अप कराते हैं। अच्छा। और शेर अली सर भी सुबह सुबह कॉल करते हैं, उन अपडेट लेते रहते हैं क्या क्या करा है। शेर अली सर का सपोर्ट आपको काफ़ी रहा? हाँ सर, में भी बहुत सपोर्ट। हाँ करें आपको। इंडिविजुअल रहता है। अच्छा। इंडिविजुअल जो रहता है, अब तक मैं 87 जन को डिफीट कर रहा हूँ। 87 लोगों को आप डिफीट कर चुके हैं अब तक का आपका टारगेट, तो आपको लगता था कि आप 87 लोगों को डिफीट करेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा लगता था कि कुछ तो हासिल करूँ, तो हासिल करते गए, सबकी दुआ रही, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा। तो अभी आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपके? सिर्फ 4 साल रह चुके हैं ओलंपिक्स को। हाँ। उसको टारगेट है। अच्छा, तो ओलंपिक का टारगेट? हाँ, है, यानी आप चाहते हैं कि ओलंपिक में खेलें। हाँ सर। तो आपको लगता है आप ओलंपिक तक पहुंच जाएंगे? सबकी दुआ और मेरी मेहनत रही तो होता है सर। अच्छा, आप यहाँ तक पहुँचे तो ये शेय आप किसको देना चाहेंगे, कि आपको सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा इसके लिए? सबसे अच्छा मम्मी पापा पहले, फिर बाद में शेर अली सर, फिर बाद में कॉलेज वाले दाऊद सर, अनिल कोप्पड़कर सर या इरफान सर, बहुत सपोर्टिव है ये, और कॉलेज वाले, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, पूरा सपोर्टिव है, बल्कि यहाँ तक आया हूँ। मैंने हर्षा की बात की थी और मेरे साथ श्रीदेवी राठौड़ भी हैं जो चितापुर की रहने वाली हैं और ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं एथलेटिक की। जैसा कि हर्षा ने अपना नाम रोशन किया शाहबाद का, तो श्रीदेवी भी उनमें से एक है जिन्होंने अपना ही नहीं अपने गांव का नाम रोशन किया। आपने अपना नाम इंटरनेशनल लेवल तक लेके गया है, तो आपको कैसा लग रहा है, आप एक गाँव की हो छोटे से, ये मुकाम तक आप पहुँचे इंटरनेशनल लेवल, आपको कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले आप बोलूँगी सबको एक्टिव रहो फर्स्ट, जितना हम एक्टिव रहते हैं उतना हम स्पोर्ट्स को फोकस कर सकते हैं, एक्टिव नहीं रहते तो कुछ भी नहीं कर सकते। श्रीदेवी जी, कितने क्या एज में आपने खेल की शुरुआत की? जैसे कि मैं 3 स्टैंडर्ड थी मैं। अच्छा। तब से मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा, कुछ भी करना स्पोर्ट्स खेलना। हाँ, स्पोर्ट्स सुबह उठना, स्पोर्ट एक दिन ग्राउंड को नहीं देखी तो मैं बेचैनी रहती हूँ। अच्छा, ग्राउंड में क्या सबसे ज्यादा क्या एक्टिविटीज? वो जितना मैं घर में नहीं रहती हूँ उतना मैं ग्राउंड में रहती हूँ, वो मेरा अपना समझती हूँ मैं उतना। मेरा क्या खेलते थे आप सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मैं रनिंग प्रैक्टिस करती हूँ, ज्यादा रनिंग। मैं 3 स्टैंडर्ड से थी तब से मैं कबड्डी खेलती थी, 5 इयर्स नेशनल कबड्डी खेली, तब से मेरा सुपर कबड्डी जैसा सुपर कबड्डी। आपका ध्यान ये स्टेट लेवल पे खेलने तक कैसा गया? शेर अली सर ने फोकस किया।
किए। अच्छा। क्योंकि मैं फर्स्ट कबड्डी थी नेशनल, 5 ईयर्स नेशनल खेली, उसके बाद में मेरा थोड़ा खेलने में मेरा प्रो कबड्डी में मैं सिलेक्शन हो गई थी। हाँ। वहाँ पे मेरा एक पॉइंट में मेरा वेट में चला गया, वेट में चला जाने से मेरे को शेर अली सर उन्होंने बोले कि तुम कबड्डी मत खेलो, तुम एथलेटिक्स पे फोकस दो। अच्छा। उस पर फोकस दिया तो तुम्हारा कुछ होता है, तुम्हारा बॉडी फिटनेस है बोल के उन्होंने बोले, तो मैं रनिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को मिले तभी मैं ऑल इंडिया 10,000 रनिंग करे, उसमें मेरा सेकेंड प्लेस हो गया। हमारा हिम्मत रहना है, जो हम करना है, हम एक बार गिरे तो वही गिरना नहीं चाहिए, हम उठ के भागना चाहिए। अच्छा, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा का रास्ता बताते हैं, बहुत अच्छा कुछ ट्रिक बताते सुबह सुबह हमारे को, उनका तो बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर की उन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचा है, शुक्रिया करते हैं उनको हम इतना दूर तक हमारे को पहुँचा है। और उन्होंने एक ही बात बोलते हैं, पार्टिसिपेट करो, हारना जीतना इंसान का लाइफ में वो तो मेन पॉइंट है। एक ओलंपिक्स को जाके सबको बताना चाहती हूँ, जैसे कि एक लेडीज़ को चार दीवारी में रहना चाहता है सब यहाँ हमारे इंडिया में, वैसा किसी को नहीं रहना है, सबको फ्रीडम रखो, हर एक इंसान को फ्रीडम रखो, उनको भी एक मर्द के जैसा समझो। वो लेडीज़ है बोले तो उतना भी कमजोरी मत समझो कि उन्हों भी वैसा है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि उन्हों भी ओलंपिक्स, मैं एक ओलंपिक्स में जाके हमारा देश का रोशन करना चाहती हूँ, हमारा तिरंगा का ऊपर चढ़ाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, सब लेडीज़ को बोलती हूँ मैं कि सब जने ये एक्टिव रहो। ये हर्षा को यानी इस हीरे को तराशने वाले उनके कोच मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि आपका स्टूडेंट आज इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है। शेर अली सर, आपने किस तरीके से हर्षा को प्रिपेयर किया, क्योंकि ये शॉट पुट कोई एक मतलब छोटा गेम नहीं, काफ़ी टफ गेम होता है, काफ़ी उसमें ताकत लगानी पड़ती है, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर्षा मेरे पास पहले टाइम पे आया था कि मेरे गांव का ही था, तो फर्स्ट में कबड्डी के लिए और दूसरे गेम इवेंट्स में वॉचमेंट कर रहा था, तो उसमें उसको बैंड फिट नहीं हो रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने बोला तेरे हाइट और पर्सनैलिटी और तेरे एज कैटेगरी में तेरे को है शॉट पुट एक ही है, शॉट पुट प्रैक्टिस कर बोल के, तो प्रैक्टिस कराया मैं, थोड़ा बहुत हो जा रहा था। पहले फर्स्ट टाइम पे वो 12 फीट मार रहा था, फिर आते आते वो 14.9 मारा, 14.9 मारने से मैं बोला तू यहाँ पे खेलने की ज़रूरत नहीं है, चल स्टेट लेवल के जाएंगे। स्टेट लेवल में भी 14.9 मारा, और बाद में मैं नेशनल सिलेक्शन हो गया गोवा में, जो 3 तारीख को नेशनल मैचेस हुए वहाँ पर लेके गया था, वहाँ पे मिनिमम 8 प्लेयर्स को बीट किया है, और 14.9 और 15 के अबव तक मार के वहाँ पर विन हुआ, विन होकर हमारे शाहबाद का नाम रोशन किया है और हमारा भी नाम रोशन किया है, इसकी बहुत बड़ी बधाइयाँ देना चाहिए उसको। आपने कितने स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया? सर मेरे अभी मेरे फिलवक्त तो मेरे सीनियर स्टूडेंट हैं, मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं, अभी PSI बन गए हैं बहुत सारे उसमें, और एक इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गई, अभी नेशनल खेलकर इंटरनेशनल हो गई, इंटरनेशनल में भी सिलेक्शन होकर अभी इंडिया टीम को सिलेक्शन होने वाली है, श्रीदेवी राठौड़ ऐसे के हर सारे बड़े, अंजना छेणेकर है, और राजस्थान संजू वॉलीबॉल प्लेयर है, और चंडीगढ़ के संजय कुमार बोल के वो भी बॉक्सर है, और बहुत सारे मेरे प्लेयर हैं। टोटली मेरे पास अभी 160 प्लेयर्स हैं, मैं उनको सभी को ट्रेन कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि इंटरनेशनल खेल के अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। सर मैं शेरिल सर, मैं हर्षा की बात करना चाहूँगा, हर्षा ने आज गोल्ड मेडल मारा और इंटरनेशनल लेवल खेला, तो कहाँ आपको कहीं ऐसा हुआ कि भाई हर्षा वहाँ तक पहुँच सकता है या नहीं, तो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत टूट जाती है? गुड क्वेश्चन पूछा है सर, क्योंकि उसकी हिम्मत की दाग देना चाहिए, क्योंकि उसके एज कैटेगरी में हाइट पर्सनैलिटी नहीं है कोई भी, उसके एज कैटेगरी अंडर 19 का है, उसका हाइट और पर्सनैलिटी की वजह से हम लोग उसको शॉट पुट चुना है, क्योंकि वो कबड्डी में भी खेला, कबड्डी में भी फेल हो गया, और उसको दूसरे इवेंट में भी डाला था फेल हो गया। जैसे शॉट पुट एक डे मारने को लगा है तो मारा, हमारे प्लेयर्सों में ही बीट करा, तो हम लोग उसको शॉट पुट में डाला। क्योंकि सर देखिए हर्षा ने अबाउ 80 लोगों को बीट किया, लोगों को बीट किया सर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि 80 लोगों को आप बीट करके हिंदुस्तान में आपने अपना नाम उस मुकाम पर रखा, ऐसे हीरे को आपने तराशा है, तो ऐसा आप इतना आप स्टूडेंट्स को वक्त देते हैं। सर आजकल स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी मतलब सेहत पे ध्यान नहीं रखते और अनवांटेड एक्टिविटीज़ में रहते हैं। प्लेयर को हर घर पे एक प्लेयर पैदा होता है, हर घर पे एक प्लेयर पैदा होता है, आप गलत सोसाइटी से दूर रहें, आप बचने की कोशिश करें, गुटखा वो वगैरह कुछ खाते हैं, हेल्थ मेंटेन कीजिए,
ये शॉर्ट लाइफ लाइफ हो गया है, आप कुछ बनाइए, माँ बाप की कदर कीजिए। माँ बाप हमको हर्षा के लिए, अभी देखो माँ बाप पूरे पीठ के पीछे उसको ऐसे ठहरे हैं कि पूरा पहाड़ जैसा खड़े हुए हैं। हम जो बोल रहे हैं मैडम ऐसा बोल के, सर आप क्या भी कीजिए। मैं बोला था उनको 2018 में, श्रीदेवी मैडम को मैंने कॉल किया, देखो आपके बच्चे को मेरे को 2 साल दीजिए, आपका हाइट पर्सनालिटी कैटेगरी में बच्चा बहुत स्ट्रांग है, मेरे को 1-2 साल दीजिए। बोला उसमें ही लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से छोड़ दिए। अभी 2001 में मेरे को बोले कि हमारा नहीं है, आपका बच्चा है, कुछ कीजिए बोल के। तो मैंने उसको ट्रेन किया खाली 7 डेज में ही वो नेशनल तक चलेगा। मेरे को भी यकीन नहीं हो गया कि उतना उसका स्टैमिना है उसके एज कैटेगरी में। 80 अबो लोग को तो बीट किया था वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल में ये करके, अभी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर ए आर कोपलकर, प्रिंसिपल SS मरगोल PU कॉलेज शाहबाग। आई एम वेरी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ आवर स्टूडेंट हू हैज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल गेम्स, एथलेटिक गेम्स, एंड ही हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द शॉर्ट पुट इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट पुट। सो इन कनेक्शन टू दिस we are honoring him. As a result of that, the society has given permission to honor him by giving a blazer to the athlete. So on behalf of the institution, on behalf of the student of the institution, teachers of the institution, and management of the institution, we hope that he will get international medal also. Let our prayer will come true, desires will come true, and we expect the same from him also. Mr. Harsha is studying in PUC second year science, and since 3-4 years he has put up his efforts to participate in the sports meets. So the effort came as a fruitful day. Today it has come as a fruitful day for him. He has done a record to the college, credit to the college, credit to the parents, credit to the teachers, credit to the place where he has born. It is a pride moment for we all people to say that one of our students has participated in an international sports event. So we congratulate him. Once again we congratulate him on behalf of myself, on behalf of the institution, on behalf of the management of the institution. My physical director, Dawood Hussain Merchant, SS Marigold College, Shahabad.
हर्ष बमनाड़कर पीयूसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट कर इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करने जा रहा है शॉर्ट पुट में। ये संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन की तरफ से इंटरनेशनल शॉर्ट पुट इवेंट एथलेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए नेपाल के लिए जा रहा है यहाँ से। हम उसके लिए मुबारकबाद और उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए हमारे स्टूडेंट और शाहबाद के लोगों के लिए बड़ा फख्र की बात है कि हमारा स्टूडेंट इंटरनेशनल इवेंट के पार्टिसिपेट के लिए जा रहा है।